For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss an update from Bollywood Spy. ज्योति, आज का टॉपिक हमारा थोड़ा सा अलग है और हम बात करने वाले हैं उन डेयरिंग अभिनेताओं की, मेल अभिनेताओं की, जिन्होंने ऑन स्क्रीन तो शर्ट उतारी लेकिन पोस्टर के लिए भी उतारी। जी सही बात है, पोस्टर के लिए यू नो शर्टलेस होना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है, तब सिर्फ पोस्टर, सिर्फ पोस्टर के लिए। गाइस, तो नमस्कार, मैं हूँ राहुल भोज और मैं हूँ ज्योति। तो चलिए बात करते हैं और बताते हैं कि बॉलीवुड के किस किस बड़े एक्टर ने जो है अपना शर्ट उतार दिया सिर्फ और सिर्फ पोस्टर के लिए। सबसे पहले बात करते हैं संजू बाबा की, यानी कि संजय दत्त की। संजय दत्त साहब ने यूं तो फिल्मों में अपने शर्ट उतारते ही हैं, बॉडी दिखाते ही हैं, लेकिन यलगार फिल्म के लिए सबसे पहली बार उनका जो है शर्टलेस पिक्चर पोस्टर पे आता है। इस फिल्म में फिरोज खान थे, फिरोज खान जी ने ही ये फिल्म डायरेक्ट की थी। फिरोज खान कौन दोस्तों? वर्दीन खान के पिताजी, जानशीन जिन्होंने बनाई, और एक खिलाड़ी एक हसीना उन्होंने बनाई इस फिल्म में, यानी कि यलगार में। दोस्तों अपने क्या कहते हैं, संजू बाबा ने बहुत ही टेरिफिक काम किया था और इसके लिए उनको अप्रिसिएशन भी मिला था, लेकिन फिल्म जो थी उसको इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। और हाँ, इस फिल्म में कबीर बेदी भी थे जी। आगे हम बात करेंगे सनी देओल की, जो कि अपने 2.5 किलो हाथ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर है। तो उन्होंने भी एक फिल्म के लिए, जैसे क्षत्रिय फिल्म थी जिसे जेपी दत्ता ने डायरेक्ट किया था, उस फिल्म के लिए वो शर्टलेस हुए थे पोस्टर के लिए, और साथ ही साथ घायल और घातक में हम उनको देख चुके थे, लेकिन पोस्टर के लिए नहीं किया था उन्होंने। चलिए बात करते हैं आगे भाईजान सलमान खान की। तो सलमान खान में डेयरिंग जो है स्टार्टिंग से ही भरी है। अगर आप पोस्टर देखेंगे, मैंने प्यार किया का पोस्टर, तो उसमें सलमान खान ऐसे पेयर शर्ट है, जीन्स पहन रखी है, भाग्यश्री का ऐसे सर पकड़ रखा है उन्होंने। सो बेसिकली उस फिल्म के लिए उन्होंने करा, और उसके बाद आगे चल के वीरगति में वो शर्टलेस पोस्टर में आए, और साथ ही साथ करण अर्जुन में भी के पोस्टर में भी वो शर्टलेस थे, जो कि अट्रैक्टिव था जी। आगे हम बात करेंगे आमिर खान जी की, हमारे बॉलीवुड के यू नो मिस्टर परफेक्शनिस्ट। उन्होंने भी गजनी के लिए वो शर्टलेस हुए थे, और उनकी बॉडी एकदम मस्त दिख रही थी, एकदम अमेजिंग। और जो लिखे थे यू नो सारे इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने लिखे थे बॉडी में, वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। फिर साथ ही साथ वो पीके के लिए पूरी तरह से न्यूड हुए थे, बस एक वो रेडियो लगाया था सिर्फ। तो दैट्स वेरी मच बोल्ड एंड डेयरिंग मैन। कभी हमने सोचा नहीं था कि आमिर खान ऐसा करेंगे, और स्पेशली पीके के लिए। और पता है कितने लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था, आमिर खान क्या कर दिया ये, इनमें और किसी और में कंपैरिजन कर दिया था, ऐसा वैसा, संस्कृति भ्रष्ट कर दी ये वो, पर उन्होंने जो दिखाया ना फिल्म के अंदर वो दिल को छू जाता है। चलिए बात करते हैं हमारे बॉलीवुड के सिंघम, यानी कि अजय देवगन साहब की। अजय देवगन साहब यूं तो फिल्मों में शर्टलेस हुए थे, ओमकारा में सबसे पहले शर्टलेस हुए थे, फिर उसके बाद बहुत सारी फिल्म आई थी, लेकिन दोस्तों पोस्टर के लिए जब वो शर्टलेस होते हैं तो वो होते हैं सिंघम। रोहित शेट्टी की फिल्म आती है सिंघम, जिसे अप्रिसिएशन मिलता है, और उसके बाद प्रभु देवा की फिल्म आती है एक्शन जैक्सन, जो कि फिल्म थी तो उसके भी पोस्टर के लिए वो शर्टलेस होते हैं। और शर्टलेस के साथ साथ वो ना ऐसे एक अजीब ही कलर का, यहाँ का फट गया था उनका, यहाँ का शर्ट था और कोट था, तो वो अच्छा लग रहा था, अट्रैक्टिव लग रहा था। आगे हम बात करेंगे बॉलीवुड के किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान की। तो वो भी ऐसे तो देखा जाए तो पहले कई फिल्मों में हुए थे शर्टलेस, लेकिन पोस्टर के लिए वो ओम शांति ओम आई थी उनकी फिल्म दीपिका पादुकोण के साथ, तो उसमें उसके लिए वो शर्टलेस दर्द डिस्को हाँ वो गाने में, और वो एक्चुअली फर्स्ट टाइम मतलब उनकी एब्स दिख रही थी तो अच्छा लग रहा था। और साथ ही साथ वो एक और फिल्म के लिए हैप्पी न्यू ईयर, उसके लिए भी वो शर्टलेस हुए थे, कैसे करके थे ना? वो वाली मस्त करनी चाहिए। चलिए बात करते हैं आगे, बात करते हैं सैफ अली खान साहब की। सैफ अली खान है ना बहुत अंडररेटेड एक्टर है, अगर आप देखोगे ना उन्होंने काम इतना अच्छा अच्छा किया, लेकिन उनका उतना नाम नहीं बन पाया। अगर आप देखेंगे सलाम नमस्ते, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आती है, जो लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट उसमें हमें दिखाया था, ऑस्ट्रेलिया में कपल रहता है, तो उसका पहला पोस्टर आया था तो उसमें वो शर्टलेस थे, बट बैक दिखाया गया था उनका, मतलब बैक से दिखाया गया था। लेकिन कुर्बान फिल्म में दोस्तों हद की, एकदम गजब की डेयरिंग दिखा दी थी दोनों कपल ने, यानी कि करीना कपूर और अपने सैफ अली खान ने, दोनों ही शर्टलेस थे, वो भी
करीना बैक से थी और सैफ अली खान फ्रंट से थे, तो वो बहुत ज़्यादा डेयरिंग था और उस वक्त उनका रिलेशनशिप परवान चढ़ा ही था, कोई ऐसी शादी वादी की नहीं, शादी उसके बाद हुई थी, सो ये हाँ डेयरिंग है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे बॉलीवुड के ग्रीक गॉड यानी ऋतिक रोशन, और उनकी बॉडी तो यू नो सबके लिए इंस्पिरेशन है, सारे जो बाहर उनके फैंस हैं इंस्पायर्ड होते हैं, वो भी जिम जाना स्टार्ट करते हैं, तो वो भी अपनी फिल्म ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के लिए शर्टलेस हुए थे, और ज़ोया अख्तर की फिल्म थी, अच्छी फिल्म थी यार, आई लाइक इट, आई क्वाइट लाइक। हाँ, तीन फ्रेंड्स की स्टोरी थी, हाँ, जस्ट लाइक दिल चाहता है इन स्पेन। चलिए जॉन अब्राहम बात करते हैं, शट अप एंड बाउंस 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 बाउंस। जॉन अब्राहम की बात करते हैं, जब वो पानी से ऐसे निकलते हैं और ऐसे पोज मारते हैं, ओएमजी लाइक रियली व्हाट यू आर डूइंग गाय। तो जॉन अब्राहम जी की पोस्टर में आता है, पोस्टर वो वाला पोस्टर भी था दोस्ताना का अगर आपको याद होगा तो, फोर्स में जॉन अब्राहम ने 100 किलो का अपने बॉडी बना ली थी और वो बाइक को ऐसे उठा के पटक रहे थे। फोर्स फिल्म पर्सनली मुझे पसंद आती है जॉन अब्राहम की, और उसके बाद जॉन की जो फिल्म आती है वो शूट आउट एट वडाला, उसमें एक बस में ये बेस्ट की जो बस होती है मुंबई में चलती हैं, उसमें वो ऐसे लटकते हुए उनका एक पोस्टर था पूरा बेयर चेस्ट था, ओह गजब गजब। और बीइंग अ वेजिटेरियन ये बहुत ज्यादा टफ होता है किसी भी एक्टर के लिए कि वो इतनी मसल पंप अप करे, राइट। आगे हम बात करेंगे शाहिद कपूर की, शाहिद कपूर इतने इनोसेंट, इतने ये लगते थे कि कभी मुझे लगा नहीं वो शर्टलेस जाएंगे, फिर भी वो कमीने के लिए गए थे, जी कमीने, फिर उनकी दूसरी फिल्म आई थी ये उड़ता पंजाब, उसके लिए गए थे, जिसमें उड़ता पंजाब में वो एकदम डिफरेंट ही लग रहे थे, एकदम अलग, मतलब पहचानने पाएगी कि ये शाहिद कपूर है, मुझे उनकी एक्टिंग एक्चुअली बहुत पसंद है, मुझे भी पर्सनली पसंद आई थी। तो ये तो कुछ हमने बड़े बड़े नाम ले लिए, अब यहाँ पर हम ऑनरेबल मेंशंस करना चाहेंगे। सबसे पहले बात करना चाहूँगा दारा सिंह जी के बारे में। दारा सिंह दोस्तों अपने ज़माने में बी ग्रेड फिल्मों के बहुत बड़े सुपरस्टार थे, उनकी फिल्में थी जो थी जैसे संग दिल हो गया, वीर बजरंग हो गया, लुटेरा हो गए, तो दारा सिंह है ना हीमैन थे, और मतलब इंडियन हीमैन थे, और वो बेसिकली शर्टलेस ही अपने पोस्टर में एकदम होता था, और उनके जो बी ग्रेड फिल्म थी ना न्यूडिटी होती थी थोड़ी सी उसमें, तो अगर आपने देखा होगा आप समझ गए होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैं धर्मेंद्र साहब की भी बात करना चाहता हूँ, धर्मेंद्र जी भी शर्टलेस हो गए, ऐलाने जंग ले लीजिए आप, पत्थर के फूल ले लीजिए, तो धर्मेंद्र साहब भी जो है वो शर्टलेस हो गए थे जस्ट ओनली फॉर पोस्टर्स, राइट। इसके अलावा दोस्तों एक और एक दो और ऑनरेबल मेंशन थे, वो है राजकुमार राव फॉर शाहिद, उसमें वो पूरा न्यूड होकर उन्होंने वो फोटोशूट और पूरा सीन दिया था, तो उसका हंसल मेहता ने कैप्चर करके उसका बना दिया। और हमारे वरुण धवन कौन सी फिल्म, मैं तेरा हीरो। सो गाइस ये तो हैं बॉलीवुड के कुछ बड़े बड़े सुपरस्टार्स जिन्होंने हिम्मत करके पोस्टर के लिए ही खाली शर्टलेस हो गए। और कौन सबसे ज्यादा आपको शर्टलेस पसंद आता है, किसकी बॉडी बहुत हॉट और सेक्सी लगती है, हमें जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। क्यों भेजिए, क्योंकि चैनल है बॉलीवुड स्पाय, एग्जैक्टली जो है आपका आपके लिए और हमारा चैनल। मैं हूँ राहुल बोच और मैं हूँ ज्योति, ये नहीं है ज्योति, ये नहीं है राहुल, ये नहीं है ज्योति। हेलो फ्रेंड्स कमेंट कर दो, हेलो फ्रेंड्स कमेंट कर दो, शेयर भी कर दो।